नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अक्सर होता है कि हम जब किसी सरकारी योजना का लाभ लेने जाते हैं तो वहां हमसे वो मोबाइल नंबर मांगा जाता है जो आधार कार्ड में लिंक हो। तो दोस्तों, अक्सर हमें ये नहीं पता होता है कि हम आधार कार्ड बनवाते समय अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर को लिंक कराए थे। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि कैसे पता करेंगे कि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो फिर वो कौन सा नंबर लिंक है। दोस्तों, इसके लिए आपको ओपन करना होगा अपने फोन में कोई भी ब्राउजर को। आपके फोन में जो भी ब्राउजर हो आप ओपन कीजिएगा। मेरे फोन में क्रोम ब्राउजर है, मैं इसे ओपन कर रहा हूं। अब दोस्तों, यहां पे आपको इस सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा UIDAI। यहां पे ये लिखा हुआ UIDAI, यहां पे आप टाइप कीजिएगा। और दोस्तों, UIDAI टाइप कर देने के बाद इसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। UIDAI.gov.in यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप। अब दोस्तों, यहाँ पे आप आधार कार्ड की पेज पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। ये है पहला, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके आइएगा तो फिर यहाँ पे आपको एक दूसरा सेक्शन मिल जाता है अपडेट वाला। यहाँ से आप अपने आधार में अपडेट कर सकते हैं कुछ भी। और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे तीसरे सेक्शन में आधार सर्विस में पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, वेरीफाई एन आधार नंबर। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा ये जानने के लिए कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा नंबर लिंक है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा वेरीफाई एंड आधार नंबर पे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना होता है और यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर को इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आप डालिएगा ये कैप्चा। जैसे अगर ये स्मॉल में रहेगा तो स्मॉल में डालिएगा, अगर बड़े लेटर में हो तो यहाँ पे ये बड़ा लेटर टाइप कीजिएगा। यहाँ पे मैं इस कैप्चा को इंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे अब दोस्तों, कैप्चा ये डाल देने के बाद आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड टू वेरीफाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप कैप्चा रॉन्ग डालेंगे तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा, प्लीज इंटर वैलिड कैप्चा। तो यहाँ पे आपको सही कैप्चा फिर से इंटर करना होगा। यहाँ पे फिर से मैं कैप्चा को इंटर कर रहा हूँ। अब दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे ये स्मॉल में लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं स्मॉल में ही इंटर किया हूँ। और इसके बाद हम क्लिक कर रहा हूँ प्रोसीड टू वेरीफाई। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं आधार वेरीफिकेशन किया हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा है आधार वेरीफिकेशन कम्प्लीटेड। और यहाँ पे आपके आधार नंबर होती है और यहाँ पे एज अप्रोक्स में होता है, यहाँ पे जेंडर, और इसके बाद यहाँ पे स्टेट, और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का 3 अंक होता है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारे आधार में कौन सा नंबर लिंक है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।